हेलो एवरीवन आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का ई का चैप्टर नंबर ट्वेंटी वन फूड एंड फन इसके क्वेश्चन आंसर इसके एक्सप्लेनेशन जो है ऑलरेडी हमने कर ली थी सो so, इसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत कम है थोड़े से हैं सो so वो भी हम आज कर लेंगे फर्स्ट वन इज़ डू यू स्टडी इन अ बोर्डिंग स्कूल सो फर्स्ट जो था बोर्डिंग स्कूल के लिए था और अगर आप बोर्डिंग स्कूल में नहीं हो तो आपको किसी से पूछ के उसके बारे में बताता कि किस टाइप का वो रहता है या क्या क्या चेंजेस उसमें जो है नॉर्मल स्कूल से रहते हैं क्या क्या डिफरेंस हैं उसमें डू यू स्टडी इन अ बोर्डिंग स्कूल अगर आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हो तो येस yes, अगर नहीं पढ़ते तो फिर आप यहाँ पर नो no भी लिख सकते हो और उसके बाद में डिफरेंस बताता है कि क्या क्या है सो इन बोर्डिंग स्कूल जो डिफरेंस है वो यहाँ बता रहे हैं वी लिव विद आवर फ्रेंड्स एंड अवे फ्रॉम द पेरेंट्स ठीक है यहाँ पर क्या होता है नॉर्मल स्कूल में क्या होता है Uh, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए फ्रेंड्स के पास जाते हैं स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए एंड देन जो है अपने घर पे आते हैं पेरेंट्स के पास लेकिन बोर्डिंग स्कूल में क्या आता है आपको पूरा टाइम वहीं रहना होता है आपके फ्रेंड्स वगैरह टीचर्स सब वहीं रहते हैं तो आपको वहीं रहना होता है और अपने पेरेंट्स से जो है दूर रहना होता है सिर्फ वैकेशन में आप उनसे मिलने के लिए आ सकते हैं सो वी लिव विद आवर फ्रेंड्स एंड अवे फ्रॉम द पेरेंट्स इन अदर स्कूल चिल्ड्रन एवरी डे कम टू द स्कूल इन द मॉर्निंग एंड गो होम इन द इवनिंग सो दोनों स्कूलों के बारे में यहाँ बता दिया वट काइंड फूड डू दे गेट देअर वहाँ पर किस तरह का फूड मिलता है सो ओल काइंड लाइक डैट गेट टू होम जैसा उन्हें घर पर मिलता है वैसे ही उन्हें वहाँ भी मिलता है बट डू द चिल्ड्रंट एंड एट तो वो कहाँ पर बैठते हैं या खाते हैं सो डाइनिंग हॉल में वो बैठते हो अपना खाना खाते हैं हु कुक द फूड फॉर द चिल्ड्रन इन बोर्डिंग स्कूल एंड हु सर्व द फूड तो फूड जो है कौन प्रिपेयर करता है और कौन जो उन्हें सर्व करता है तो जो भी स्कूल में कुक होते हैं वो उनके लिए प्रिपेयर करते हैं एंड उनके बाद कुक के जो हेल्पर होते हैं वो सर्व करते हैं फूड में हु वॉशिज द वेसल्स वेसल्स कौन वॉश करते हैं? तो उसके लिए भी जो उनका स्टाफ होता है या सफाई वाला या जो भी है वो उनको जो भी बर्तन होते हैं बाद में उन्हें धोते हैं डो द चिल्ड्रन मिस देयर होम फूड समटाइम्स तो क्या ऐसा होता है कि आपको कभी कभी जो है Uh, अपने घर का खाना भी याद आता है जो बच्चे वहाँ पर रहते हैं सो डेफिनेटली यस क्योंकि आप बहुत टाइम तक बाहर रह रहे हो किसी और का खाना खा रहे हो मतलब क्या पता आपके घर जैसा टेस्ट है या नहीं तो हमेशा जो है बाहर अगर हम जाते हैं तो कुछ टाइम बाद हमें घर का खाना याद आता है कि हाँ वो खाना ज़्यादा अच्छा था वुड यू लाइक टू गो टू द बोर्डिंग स्कूल एंड वाई तो क्या आप बोर्डिंग स्कूल में जाना चाहोगे सो so ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जाना चाहते हो या नहीं अगर जाना चाहते हो यस देन नो आई वुड लाइक टू गो टू द बोर्डिंग स्कूल फोर अ वीक और टू एक या तो वन या टू वीक्स के लिए यानी कि पूरा टाइम ही मुझे वहाँ रहना है देर इज अ लोट ऑफ फन क्योंकि वहाँ पर फ्रेंड्स रहेंगी पूरा टाइम उनके साथ मस्ती कर सकते हैं गेम खेल सकते हैं सो so इसलिए जो है मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ बट आई डू नॉट वॉन्ट टू मिस माई पेरेंट्स लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को भी मिस नहीं करना चाहता तो इसलिए वन या टू वीक्स के लिए मैं वहाँ पर जाना चाहूँगा द कुकिंग एंड ईटिंग टूगेदर इन द गुरुद्वारा इज कोल्ड लंगर ठीक है लंगर मीन्स जब गुरुद्वारे में जाते हो सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाते है, तो वो क्या कहलाते हैं उसे बोलते हैं लंगर हैव यू इवन एटन इन द लंगर वेयर एंड वन तो आपने जो है कब लंगर खाया था और कहाँ पर सो यस ड्यूरिंग द लास्ट बर्थडे ऑफ गुरु नानक सो गुरु नानक जयंती जब होती है तब लगभग हर गुरुद्वारे में जो है आ, लंगर लगता है उनकी जयंती पे लाइक बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं उनका सो so, वो टाइम पर वहाँ पर आपने लंगर खाया या अगर आपने किसी और दिन खाया तो आप वो भी लिख सकते हैं हाउ many पीपल were कुकिंग एंड हाउ many were सर्विंग द फूड सो कितने लोग जो खाना बना रहे थे और कितने सर्व कर रहे थे सो so, ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है और यू कैन राइट लाइक अबाउट टेन आर देयर अदर ओकेजन्स वैन यू हैव eaten टूगेदर विद मैनी अदर पीपल्स वैन एंड वेयर एंड हु डिड द कुकिंग एंड सर्विंग देयर तो आपने कोई और ऐसा दिन भी है जब आपने दूसरे लोगों के साथ खाना खाया कब और कहाँ खाया और कितने लोग ऐसे थे जो खाना बना रहे थे एंड उसको सर्व कर रहे थे सो so, ड्यूरिंग द दुर्गा दुर्गा पूजा इन अ टेम्पल सो so दुर्गा पूजा में टेम्पल के टेम्पल में गए थे देन दुर्गा पूजा हो रही थी सो so वो टाइम पे खाया था एंड द बॉयज ऑफ द कमेटी वर कुकिंग एंड सर्विंग सो कमेटी बनाई गई थी खाना बनाने के लिए और सर्व करने के लिए वो ही क्या कर रहे थे कुक कर रहे थे और सर्व कर रहे थे अब दुर्गा पूजा की जगह वेडिंग वगैरह या कोई और भी चीज़ हो सकती है किसी और भगवान के लिए या कहीं पर भी इस तरह से चीज़ें होती रहती तो उनमें से आप किसी भी एक के बारे में लिख सकते हैं सो आपका ये चैप्टर बहुत छोटा है फूड एंड फन सो so, इसके क्वेश्चन आंसर यही है आप इनको लिख सकते हैं अपने बुक में अगर आपको लिखना है दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू